हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मेरा नाम प्रवीण है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हफमैन कोड जनरेशन। यानी क्या हफमैन कोड जनरेशन का कंसेप्ट क्या है कि ये एक डेटा कंप्रेशन टेक्निक है। मतलब कि विदाउट ये क्या करता है, हमारे जो हमने मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट लिया है ए बी सी डी, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, उसको वो स्टोर करेगा जो फ्रिक्वेंट साइज ना, जो फ्रिक्वेंसी जो हमारे जो वर्ड्स आ रहे ना उनको वो साइज कम देगा। और जो एक जैसे एक बार जो वर्ड, जैसे मान लीजिए हमें आपको टेक्स्ट दिया है ए बी सी डी ए ए बी, ठीक है, अब इससे मैं आ रहा हूँ सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कौन सा आ रहा है ए ए ए, तो क्या करेगा ए को क्या करेगा वो साइज कम देगा, ठीक है, साइज लेस साइज करेगा उसको साइज क्या करेगा वो कम साइज देगा, यानी क्या करेगा वो लेस साइज देगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमारा क्या डी है, तो डी को क्या करेगा मोर साइज देगा। तो यानी क्या करता है वो डेटा को कंप्रेस करता है, रिड्यूस करता है और ओरिजिनल डेटा से। तो भाई आपको मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो भाई इसके अंदर हम एक वर्ड लेंगे, सबसे पहले मान लीजिए एक मैंने वर्ड लिया मिसिसिपी, ठीक है भाई, मिसिसिपी का स्पेल क्या है एम आई डबल एस आई डबल एस और आई डबल पी आई मिसिसिपी रिवर, ठीक है। तो मेरा ये क्या हो गया, ये वर्ड हो गया पूरा। तो भाई अब मैं इस वर्ड को पूरा काउंट करूंगा, तो मेरा एम मान लीजिए मेरा एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो भाई ये मेरा कितना टोटल कितने कैरेक्टर हो गए मेरे, ये 17। भाई इसको आप काउंट करोगे तो 17 है, ये वर्ड 16 है और मेरा एक स्पेस, तो याद रखना स्पेस भी हमारा एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया 17 कैरेक्टर हो गए। तो भाई आपको मालूम है कि 1 byte इक्वल टू कितना होता है, 1 byte इक्वल टू कितना होता है 8 bits होता है, बराबर है। तो भाई मेरा 17 कैरेक्टर है, तो 17 into मैं कितना करूंगा 8 करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा 136 bits मिलेगा, आया समझ में। तो भाई आप ये याद रखना कि भाई मेरा ये 136 bits आपको याद रखने हैं। आप ये मेरा है ओरिजिनल डेटा का कितना स्टोरेज साइज कितना है 136 bits। मैं आपको बिना हफमैन कोड यूज़ करके साइज कैसे रिड्यूस करना है मैं आपको वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई आपको याद रखना कितना 136 bits याद रखना, ठीक है। तो भाई अब मेरा ये कितना हो गया मिसिसिपी कितना हो गया, ये मैंने एक वर्ड लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इस अभी इसमें वर्ड को मैं लिख लूँगा, कैसे एम लिखूँगा एस आई एस, फिर के कौन सा वर्ड आया पी, फिर क्या है हमारा आर, फिर मेरा क्या है वी ई और एक स्पेस मेरा, भाई ये स्पेस को भूल मत जाना, ये स्पेस भी है। अब एम को मैं क्या करूँगा, जितनी बार रिपीट हुआ मैं उसको वहाँ पे लिखूँगा, मेरा एम कितनी बार रिपीट हुआ यहाँ पे पूरे इसमें, खाली 1 time रिपीट हुआ है। आई कितनी बार हुआ 1 2 3 4 5, मैं कितना लिखूँगा 5। एस कितनी बार है 2 और 2 कितना 4 हो गया, ये आ गया 4। पी कितनी बार रिपीट हुआ मेरा, आप देखोगे पूरे इसके अंदर मेरा 2 बार रिपीट हुआ है। और आर कितनी बार रिपीट हुआ मेरा पूरा, सिर्फ 2 बार हुआ है, ये लिख दिया। वी कितनी बार हुआ है 1 बार और ई कितनी बार हुआ है 1 बार और मेरा स्पेस कितनी बार है 1 बार है, आया समझ में। अब मैं क्या करूँगा इसको, अब मेरा ये पूरा आ गया। अब इसके बाद अब एम वन मैं यहाँ पे लिख दूंगा पूरा एम वन। अब हाँ, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर जो मेरा सबसे ज़्यादा बार फ्रिक्वेंटली आया हुआ है उसको मैं सबसे पहले लिखूंगा। तो सबसे फ्रिक्वेंटली मेरा क्या आया हुआ है आई फाइव है, बराबर ये आ गया आई फाइव। उसके बाद क्या है मेरा एस फोर है, ये आ गया एस फोर। फिर क्या है मेरा पी टू आ गया, बराबर है। उसके बाद क्या आएगा मेरा आर टू, उसके बाद मेरा क्या आएगा एम वन और उसके बाद क्या है मेरा वी वन और फिर ई वन और ये मेरा स्पेस वन आ गया, आया समझ में। अब मैं क्या करूँगा स्टार्टिंग में जो मेरा सबसे ज़्यादा बार आया उसको मैं सबसे जो साइज का मैं सभी मान लीजिए ई वन और ये स्पेस वन है, तो मैं क्या करूँगा इनको मैं ऐड करूँगा। तो मुझे यहाँ पर मैं जब इनको ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा ई स्पेस मिलेगा, कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर ये 2 मिल गया, बराबर है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा इसे छोटा कौन सा मेरा, यहाँ पे मैं और चेक करूँगा भाई सबसे साइज मेरा छोटा कौन सा, तो ये एम वन और वी वन है तो भाई इनको भी मैं ऐड करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे ये एम वी टू मिलेगा, आया समझ में। अब उसके बाद अब यहाँ पे मेरा ये आर कितनी बार आया होगा मेरा आर यहाँ पे 2 बार भाई, ठीक है, ये मेरा आ गया आर टू, ठीक है। अब इसके बाद मैं देखूँगा अब ये मेरा आर टू पी टू, तो मैं इसको क्या करूँगा इनको भी मैं ऐड करूँगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला ये मिला मुझे पी आर 4 मिला। अब उसके बाद अब मैं देखूंगा ये 2 2 है तो इनको मैं ऐड करूँ तो मुझे 4 मिल सकता है, तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला एम वी ई डैश 4, आया समझ में। तो भैया मेरा यहाँ पे देखिए अब मेरा पी आर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या करूँगा मैं इसको अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, तो भाई मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ अच्छे से, तो मैं जब इनको मैं ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा ये मिला मुझे पी आर और यहाँ पे क्या है मेरा पी आर एम वी ई डैश 4 नहीं आएगा यहाँ पे कितना आएगा 4 + 4 कितना हो गया ये हो गया 8, बराबर है। तो भाई यहाँ पे जब ये 8 आ गया अब उसके बाद मैं क्या करूँगा अब 8 के कंपेरिजन में देखिए 5 और 4 छोटा है, तो मैं क्या करूँगा उनको सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा ये आई एस 9 मिलेगा क्योंकि 5 + 4 कितना हुआ 9 हुआ।
अब इसके बाद मेरे बचा क्या, सिर्फ ये 9 बचा, ये 8 मिला। तो मैं इनको जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये मिलेगा मुझे ISPRMVE- और 9+8 कितना हुआ 17। तो भाई आपने, आपको मैंने बताया था कि भाई स्टार्टिंग मेरा टोटल कैरेक्टर कितना था 17 था, तो भाई मेरे ओरिजिनल मेरा डेटा कितना है, टोटल कैरेक्टर कितना है 17 है, तो मुझे मिल गया ओरिजिनल 17। अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पे जब मुझे एंडिंग मिल गया, इसका रूट मिल गया मुझे, तो मैं क्या करूँगा इसे कोड दूंगा। कैसे, जो रूट है उसका जो लेफ्ट हैंड है उसको मैं 0 दूंगा और जो राइट है उसको मैं 1 करूंगा। तो मेरा भाई इसका रूट, इसका कितना, ये मेरा रूट है ठीक है, तो रूट का मुझे लेफ्ट हैंड क्या मिल गया 0, ये राइट हैंड क्या मिल गया 1, बराबर है। अब मेरा ये रूट है, इसका मुझे लेफ्ट क्या मिलेगा 0, राइट क्या मिलेगा 1, ये रूट है, रूट का मुझे लेफ्ट क्या मिलेगा 0 1, उसी तरह से यहाँ पे क्या मिलेगा 0 1, ये क्या मिलेगा 0 1, ये क्या मिलेगा 0 1, और इसको भी 0 1। आया समझ में? अब क्या करूंगा मैं, आई का मुझे कोड निकालना है, हफमैन कोड, यानी क्या, अब आई का मुझे कोड निकालना, क्या करूँगा मैं रूट से स्टार्ट करूँगा। कैसे, रूट से कैसे आऊँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ से मुझे आई मिल रहा है, तो इसका इसका कोड क्या हो जाएगा 00 हो गया, बराबर है। अब मुझे एस का निकालना है, तो अब एस कैसे मैं मारूंगा रूट से, ये 0 और ये 1, तो मुझे क्या मिल गया 01 मिल गया, बराबर है। अब मुझे पी का निकालना, तो भाई मुझे पी कैसे मिलेगा, ये मेरा रूट है, पी से आया मैं यहाँ पे 1 मिला, अब 1 के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा मैं 0 मिला और ये 0 मिला, तो मुझे कितना मिला 100 मिला। अब ये आर का निकालना मुझे, तो कैसे मिलेगा, ये 1 आया, ये 0 आया, ये 1 आया, तो मुझे क्या मिला 101 मिला। अब मुझे क्या करना है, आर टू का मिल गया। अब मुझे एम का निकालना, तो एम कैसे निकलेगा, ये 1 ये 1 ये 0 ये 0, तो क्या मिला 1100। आया समझ में? अब उसके बाद अब मुझे V1 निकालना, तो V1 कैसे निकलेगा, 1 ये 1 मिला, ये 1 मिला, ये 0 मिला, ये 1 मिला, यानी क्या मिला 1101। भाई ये आपको सबसे अच्छे तरीके से आपको अच्छे से निकालना है कि भाई कैसे निकालेगा ये सब। अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी तो आ गया कि आपका पूरा हफमैन कोड पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अब मुझे V मिल गया, अब मुझे E निकालना, तो E कैसे निकालूंगा मैं, ये रूट है 1 1 और ये 1 और ये 0, यानी क्या 111 और 0, बराबर है। अब उसके बाद मुझे इसका निकालना, तो क्या, ये तो ईजी है, 1 1 1 और ये 1, तो ये स्पेस का क्या गया 1 1 1। तो भाई मुझे इस सबका हफमैन कोड मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, हमने जो वर्ड लिया था मिसिसिपी रिवर, अब एम के बदले क्या करूँगा मैं, एम का जो कोड है वो मैं वहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा एम के वहाँ पे। तो अभी एम का कोड क्या है 1100, उसके बाद आई का कोड क्या है 00, तो मैं यहाँ पे वो रिप्लेस करूँगा, ठीक है। तो भाई मैं एक बार मिटा लेता हूँ, और ये कोड तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, आपको मैं समझाता हूँ कि वो कैसे उसका हफमैन कोड से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, साइज कैसे कम हो रहा है। तो मेरा वर्ड क्या था भाई, मिसिसिपी था, ये एम, ये आई, फिर डबल एस आई, भाई वर्ड तो बहुत बड़ा है, तो एस एस, फिर क्या है ये आई है, फिर ये डबल पी है आई, फिर स्पेस, फिर रिवर, ठीक है, ये आ गया मेरा वर्ड आ गया पूरा पूरा। अब उसके बाद अभी एम का कोड क्या है मेरा, यहाँ पे मैं एम चेक करूँगा, एम का कोड कितना है मेरा 1100, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1100 डाल दूंगा। आई का कोड क्या है मेरा इससे 00 है, तो ये आ गया 00। एस का कोड क्या है 01, ये आ गया 01, ये एस का आ गया 01। आई का कोड फिर से क्या डालेंगे 00, ये आ गया 00। एस का क्या है 01, एस का आ गया 01, ये आई का क्या है वापस से 00 आ गया। पी का क्या आ गया मेरा 1100 आ गया। आई का वापस फिर वापस से पी का क्या आएगा 100, आई का मेरा क्या आ गया वापस से क्या आएगा 00। तो भाई इसी तरह से आपको आगे लिखना, तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ एक बार, स्पेस का मेरा क्या आ जाएगा, स्पेस का है 1111, ठीक है। आर का है भाई मेरा 101, आई का वापस से आएगा 00, फिर वी का आ गया मेरा 1101, और ई का आ गया मेरा 1110, और आर का मेरा क्या आ गया वापस से 101। भाई अगर आप इसमें देखोगे जो बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार वो वर्ड आया है उसको देखोगे आप साइज कम मिला है, जैसे यहाँ पे देखिए आई 5 टाइम्स है तो उसको कितना मिला सिर्फ 00 मिला, और अगर आप देखोगे एम मेरा एक ही बार रिपीट हो तो उसे क्या मिला 1100। यानी क्या हफमैन कोड क्या करता है, जो फ्रिक्वेंटली जो बार बार वर्ड आते हैं उनको वो साइज कम देता है, और जो एक बार आया उसको वो साइज ज़्यादा देता है, ठीक है। अगर आप इसको मैं क्या करूँगा अभी 8 बिट्स में लूँगा, कैसे लूँगा, अब ये देखिए ये 2 4 6 8, ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा 8 बिट्स हो गया, फिर ये 2 4 6 8 आ गया, ये यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, ये मेरा आ गया 8 बिट्स का। अब उसके बाद ये 2 4 6 8, ये आ गया 8 बिट्स। उसके बाद मेरा फिर आ गया 2, ये आ गया 2 4 6 2 4 6, ये 8 आ गया, ठीक है। अब मेरा 2, ये आ गया 4, ये 6 और ये आ गया 8, ये मेरा आ गया 8 बिट हो गया। उसके बाद मेरा 2 4 6 और ये आ गया 8 बिट्स आ गया मेरा।
अब उसके बाद में 2, 4 ये 6, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे 8 + 8 + कितना हो गया 8, 8 = 16, ये 32, और ये कितना हो गया मेरा 40, और ये हो गया मेरा 6, ये कितना हो गया 46। यानी कितना, अब अपने मेरा ओरिजिनल कितना था, 136 बिट्स था, बराबर है। हमने उसको हफमैन कोड से जब हमने हफमैन कोड जनरेट किया तो मुझे क्या मिला, 46 बिट्स। यानी हमने कितना परसेंट रिड्यूस किया, 46/136, यानी मुझे मिला 33%। मैंने उसको कोड को मैंने रिड्यूस कर दिया, आया समझ में। तो भाई ये तो कंसेप्ट किस तरीके से वर्क करता है, मैं अभी आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ जिससे आपका पूरा बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई पेपर में आपको स्टेप्स में कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ये तो भी आपको मैंने समझाने के लिए आपको मैंने एक वर्ड लिया था कि इसको कैसे समझाना है। मैं आपको एक आपको पेपर में कैसे गिवन रहेगा वो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई आपको पेपर में आपको गिवन रहेगा इस तरीके से, आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको टेबल दिया रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है A1, आपको दिया है B2, और फिर दिया हुआ है सी, वैल्यू दी हुई है सी की वैल्यू दी हुई है 2, सॉरी बी का आपको दिया हुआ है 1, ठीक है। सी 2 दिया हुआ है, डी आपको दिया है 3, और ई दिया है आपको 5, एफ दिया हुआ है 8, और जी दिया हुआ है 13, और एच आपको है 21, ठीक है। तो भैया आपको ये पूरा एक अरेंजिंग आपको ऑर्डर दिया रहेगा इस तरीके से, जो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर। आपको करना है क्या, सबसे पहले स्टेप वन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। तो भैया आपको इनको ऐड करेगा तो आपको मिला 2 मिला, बराबर है। अब 2 किससे बना आपका, A1 से मिला, और ये कितना बना B1, ये मिला B1 से, आया समझ में। अब इस 2 को मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक अच्छे फॉर्म में लिखता हूँ ढंग से ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा है स्टेप 1, ठीक है। तो अब इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले 2 ऐड कर, तो ये मुझे 2 मिला, 2 किससे मिला मुझे यहाँ पे, ये मिला 1 और ये मिला B1, ठीक है। अब उसके बाद में अब मैं क्या करूँगा, जब मुझे ये 2 मिल गया मैं इसको अपडेट कर दूंगा। कैसे अपडेट करूँगा, इसके अंदर, यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पूरी एक टेबल में क्या लिखूँगा यहाँ पे, इस ये जो नोड है इसको मैं यहाँ लिख लूँगा C2, और ये जो मिला मुझे मैं यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। तो अब ये मेरा एज इट इज वापस आ जाएगा पूरा E5, ये आ गया F8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा G13, और यहाँ पे H आ गया मेरा 21, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये C2 मिला, मेरा स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करूँगा, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे 3 है, ये दोनों छोटे हैं, तो मैं क्या करूँगा इनको ऐड करूँ। तो मुझे 2 + 2 कितना मिला, 4। अब मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, यहाँ पे ये आ गया मेरा C2, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा 2। अब ये 2 किससे बना मेरा, ये यहाँ से बना, देखिए A(1) और B(1), ठीक है, आया समझ में। अब क्या करूँगा मैं, स्टेप 2 मिला, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। अब अपडेट करूँगा तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब मेरा कितना मिला, 4 मिला, तो मेरा इन दोनों को करके मिला। अब तो मुझे यहाँ पे मेरा टेबल क्या बन जाएगा, ये D3 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये 4 बढ़ा तो मैंने क्या किया, 3 के आगे लिख दिया 4, और ये वापस मेरा एज इट इज़ आ गया। ये आ गया E5, ये आ गया मेरा 8, ये आ गया G13, और ये आ गया मेरा H21, आया समझ में। तो मेरा ये था स्टेप 2। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, D3 और 4 को ऐड करना है, ठीक है। तो भाई जब आप इसको ऐड करोगे तो भाई 3 + 4 कितना हुआ, 7 हुआ। तो अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 मुझे कैसे मिलेगा यहाँ पे, ये मिला मुझे यहाँ से। अब देखो कि मैं रूट नोड को मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, और जो इसके जो ब्रांचेस है उसको मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसे ताकि क्या आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा भाई रूट नोड कौन सा है, क्या कैसे है, ठीक है। तो मेरा आ गया D3 आ गया, ये मेरा आ गया 4, ठीक है। अब ये 4 किससे बना, अभी मेरा ये 4 क्या, मेरा किसी का नोड होगा, ठीक है, क्योंकि आगे मैंने सॉल्व किया। तो ये मेरा रूट हो गया, तो इसलिए मैंने इसको सर्कल किया, ठीक है। तो अभी मेरा 4 किससे बना, ये स्टेप 2 से बना। तो ये स्टेप 2 का जो भी पूरा बना है मैट्रिक, जो भी पूरा ये ट्री बना, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा C2, यहाँ पे क्या आ गया 2, और मेरा 2 किससे बना है, इससे बना, देखिए जो फर्स्ट हमने निकाला था ना A1, और ये मेरा मेरा B1, आया समझ में। तो भाई मेरा ये आ गया यहाँ पे एज इट इज पूरा। अब क्या करूँगा मैं, इसको मैं अपडेट करूँगा। कैसे अपडेट करूँगा, यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर अभी ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा पूरा एज इट इज़। मेरा 7 है, मेरा यहाँ पे क्या था, ये आ जाएगा E5, जो मेरा जो नेक्स्ट था नोड वो आगे आ जाएगा, E5 आएगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे F8, ये फिर आ गया G13, और यहाँ पे आ गया H21, आया समझ में। अब क्या होगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप 4 में क्या करूँगा मैं, अभी 5 और 7 को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। तो भाई जब मैं 5 और 7 को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्टेप नंबर 4, 5 + 7 कितना हुआ 12, ये आ गया 12,
अब 12 मेरा किससे बना है, अगर मैं आपको बताऊँ 12 मेरा किससे बना है, ये मिला है मेरा इससे, ये बना है E5 और ये बना मेरा 7। अगर आप देखोगे जो मेरा स्टेप नंबर 3 था वो 7 का जो था वो एज इट इज पूरा पूरा आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा D3, ठीक है, ये आ गया मेरा 4। अब उसके बाद 4 के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा C2 और ये बना यहाँ पे 2, और ये 2 किसे बना था, A1 और यहाँ पे क्या था, B1 था। आया समझ में? अब क्या करूँगा मैं, इसको मैं अपडेट कर दूंगा, तो अपडेट करूँगा तो मेरा ये 12 है, तो मेरा भी ये यहाँ पे क्या, यहाँ टेबल में मेरा क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बचेगा मेरा, अभी ये F8 आ गया जाएगा, ये आ गया F8 आ गया आ गया, अब उसमें मैं 12 है तो मैं क्या करूँगा 12, अब ये 13 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे G कितना आ गया 13 और H कितना आ गया 21। आया समझ में? तो ये था मेरा पूरा स्टेप 4, ठीक है। अब आपको मैं बताऊँगा स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, ये आ गया स्टेप 5। अब क्या करूँ मैं, 8 और प्लस और ये इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 20, ये हो गया 20। अब मेरा 20 किससे बन रहा है, आप देखोगे यहाँ पे ये F8 और ये 12 से, अब मेरा 12 किससे बना था, इससे बना था, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये मेरा यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया E5 और यहाँ पे मेरा आ गया 7। अब मेरा 7 किससे बना था, यहाँ पे 7 मेरा बना था D3 और यहाँ पे बना था 4 से, 4 किससे बना था मेरा, यहाँ पे C2 और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, फिर 2 किससे बना था, A1 से और B1 से बना था, ठीक है। अब जब ये मुझे मिला तो मैं क्या करूँगा, इसको टेबल को अपडेट कर दूंगा। आया समझ में? अब जब मैं टेबल को अपडेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे यहाँ पे G13, भाई मैं नेक्स्ट नोट आगे लिख दिया, अब मेरा 20 है तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और मेरा H क्या मिला 21, ठीक है। इसी तरह से आप जब स्टेप नंबर 6 करोगे तो आपको आगे क्या मिलेंगे, आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, आपको स्टेप 6 मिलेगा पूरा पूरा, यह आ गया मेरा स्टेप नंबर 6, ठीक है भाई, अभी खत्म होने आ रहा है पूरी तरीके से, ज़्यादा लंबा है ये, थोड़ा सा लेंदी समय है बट आपको समझना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 13 और 20 क्या करूँगा, ऐड करूँगा, ये मिल गया 33 मेरा किससे बना है यहाँ पे, ये बन गया G13, ये बना 20। अब 20 का जो था पूरा स्टेप्स वो एज इट इज पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। तो भाई अब जब मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो मुझे भी आपके क्या मिला 33 मिला। अब भाई वो स्टेप्स आपको मैं सीधा 7 बता दो कैसे करना, ठीक है। तो ये 33 में क्या करूँगा, यहाँ पे लास्ट में क्या बचा मेरा 33 और यहाँ पे कितना मेरा 21 था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये H21 और 33 कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास लास्ट में क्या बचा, दो नोट 21 और 33, इनको मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 54 मिलेगा, बराबर है। जब मैं भाई अब मेरा स्टेप 7 होगा तो स्टेप 7 मेरा क्या मिला 54 मिला। अब 54 को मैं पूरा लिखूंगा किस तरीके से, 54 मुझे कैसे मिला, ये मिला मुझे यहाँ से, देखिए H21 और यहाँ पे कितना था 33 था। अब 33 का पूरा स्टेप क्या, यहाँ पे ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, G13 और यहाँ पे मेरा क्या था 20, यहाँ पे मेरा क्या था 20 था, तो मेरा ये आ गया 20, ठीक है। अब मेरा 20 किससे बना था, अगर आपने नोटिस किया होगा, ये बना था हमारा F8 और यहाँ पे 12, ठीक है। अब ये 12 किससे बना था हमारा, ये बना था हमारा E5 और यहाँ पे ये 7 था, 7 के बाद में यहाँ पे हमारा 7 किससे बना, ये हमारा 7 बना D3 और ये बना 4, ठीक है। अब हमारा 4 किससे बना था, ये हमारा 4 बना था C2 से और यहाँ पे 2 था, ये हमारा 2 किससे बना, A1 से और ये बना हमारा यहाँ पे था हमारा B1, ठीक है। तो भाई ये पूरा आ गया मेरा, जितने मेरे पास नोट थे मैंने सारे यूज़ कर लिए और मैंने बना दिया पूरा ट्री, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इस 54 के मेरा रूट्स नोट से, मैं क्या करूँगा जो लेफ्ट है उसको 0 और जो राइट है 1, मैं आपको स्टार्टिंग में जो वीडियो था उसमें आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे क्या करूँगा 0 1, अब ये रूट है ये 0 1, ये रूट है 0 1, ये आ गया 0 1, ये आ गया 0 1, इसका हो गया 0, ये आ गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब भाई मुझे पूरा मिल गया, अब मैं क्या करूँगा टेबल बनाऊँगा, कौन सा वाला जो मेरा सिंबल है वो, और क्या करूँगा मैं यहाँ पे उसका हफमैन कोड लिखूंगा कि भाई कोड क्या मिला मुझे। तो मेरा भाई सिंबल क्या है यहाँ पे, सबसे पहले मेरा क्या यहाँ पे A है, B है, C है, D है और E है और F है। अगर आप A का कोड देखोगे तो मेरा यहाँ पे देखिए A यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो मेरे मेरा रूट से लेके मैं A तक कैसे पहुँचूंगा, देखिए ये 1 1 1 1 1 पूरा और लास्ट में यहाँ पे 0, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ये कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम 0, क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 और ये 0 आ गया, ठीक है। तो मेरा ये हो गया A का हफमैन कोड, क्या हो गया ये हो गया। B का निकालूंगा मैं तो इसी तरीके से मेरा B का क्या होगा, ये 7 टाइम्स 1 होगा, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स मेरा 1 आ गया। C का निकालूंगा मैं इसी तरह से, तो मेरा C का कितना आएगा 1 2 3 4 5, यानी कितना 1 2 3 4 5 और 0। उसी तरह D का निकालूंगा मैं तो मुझे D में क्या मिलेगा 4 टाइम्स 1, ठीक है, और 0।
और ई में निकालूंगा तो ई में क्या मिलेगा, 3 times 1 0। एफ का निकालूंगा मैं, यहाँ पे एच आ गया, एफ का निकालूंगा मैं तो एफ का मुझे क्या मिलेगा, 2 times 1 और 0। फिर ये क्या मुझे, ये यहाँ पे मैं जब जी का निकालूंगा तो जी का क्या मिलेगा मुझे, 1 0, ठीक है, और एच का निकालूंगा तो 0। तो भाई ये रहे मेरे सारे सिम्बॉल्स और ये है मेरे उसके हफमैन कोड। तो भाई ये हफमैन कोड हम किस तरीके से निकालते हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया, अभी ए है यानी ए अभी यहाँ पे देखिए फाइट यहाँ पे कितना 6 times 1 आ गया और 0 आ गया। तो भाई जिसका कोड सबसे कम होगा वो फ्रीक्वेंटली ज़्यादा टाइम आया है, ऐसे ए है ये बहुत कम बार रिपीट हुआ है, और एच है हमारा ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए उसका कोड कितना मिला, 0 मिला। तो भाई ये था मेरा पूरा हफमैन का कोड का जो कंसेप्ट, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वगैरह पूरा। तो भाई थैंक यू सो मच वीडियो देखने का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और भाई अगर जितना हो सकता है उतना शेयर करो, ठीक है। आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो भाई अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप जो हमारा बेल आइकॉन है उसका प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे।